गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज नवनी जांगिड फ्रॉम आदर्श पाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई एम इंग्लिश फैकल्टी हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पीचेस फॉर क्लास 7th। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव रीड व्हाट इज स्पीच एंड आल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट द पार्ट्स एंड सम ऑफ द रूल्स लाइक चेंजिंग द दैट एंड चेंजिंग द टेंस। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था स्पीच के बारे में, इसका रिविजन चल रहा है। स्पीच क्या होता है, स्पीच के पार्ट्स कितने होते हैं, हर एक पार्ट में एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। ओके, उसमें हमने थोड़े रूल पढ़े थे। आज हम जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, हमने कल पढ़ा था सेंटेंसेस जो कि थे असर्टिव सेंटेंस। ठीक, उसमें हमने पढ़ा था चेंज कैसे होता है, दैट चेंज कैसे होता है, सैड का चेंज कैसे करते हैं। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरोगेटिव में हम चेंज कैसे करते हैं और क्या क्या चीजें कैसे होती है, तो देखते हैं। अगर हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम कैसे कैसे बदलाव करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव के अंदर सेंटेंसेस होते हैं दो टाइप के। द फर्स्ट वन विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वन इज विच स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच वर्ड्स। तो फर्स्ट का हम देखते हैं स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे लिखना है क्या? नो, रिवीजन बेटा आपका किया हुआ ना, ये बस रिवीजन ही। जो चीज आपको नई लगे ना, जो भी आपको नया लगे, न्यू लगे, वो आप राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, ही सेड टू मी आर यू गोइंग, उसने मुझसे कहा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। ठीक है, हमें इसमें क्लियरली दिख रहा है तो सेंटेंस कैसा, अपना सेंटेंस ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि शुरू हो रहा है अपना हेल्पिंग वर्ब से। ठीक, अब इसमें बदलाव कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बदलाव करना होता है सेड के अंदर, जो कि हमारी क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। जब कभी भी हमारे पास रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर या फिर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, इस वाले पार्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। ठीक है, इसके बाद हमें चेंज करना होता है कोमा के अंदर। कोमा में चेंज क्यों करेंगे, कोमा में चेंज हम इसलिए करेंगे क्योंकि ऊपर जो सेंटेंस लिखा है एक स्पीच है। ठीक है, ये वाला एक पार्ट एक स्पीच है, हमें इस स्पीच को चेंज करना है एक सेंटेंस के अंदर, एक स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो स्टेटमेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें इसे स्टेटमेंट में चेंज करना है तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस है कि इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए कनेक्टर, एक कनेक्टर चाहिए। और जब कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग पार्ट को, रिपोर्टेड वर्ब को और कोमा को हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। ठीक, तो इसमें जो कोमा है ये चेंज हो जाएगा इफ में। क्यों हो जाएगा, बिकॉज इफ विल बिकम ए कनेक्टर हियर। ठीक है, कोमा की जगह क्या आ जाएगा, कोमा की जगह इफ कनेक्टर आ जाएगा। और फिर ये जो इन्वर्टेड कोमाज है इनको हटा दिया जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब हमारे पास ऊपर ये है सेंटेंस अपना है इंटरोगेटिव, इसको हमें बनाना है असर्टिव। क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है। ठीक है, हमें इसको असर्टिव बनाना है। ठीक, और जो भी सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आता है मैन वर्ब। ठीक है, और फिर आता है अपना ऑब्जेक्ट। ये अपना स्ट्रक्चर है एक असरेटिव सेंटेंस का। ठीक, असरेटिव पॉजिटिव का, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक सब्जेक्ट चाहिए चाहिए ना। तो इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सर आप रिवीजन करवा रहे हो ना, हाँ
जो भी आपको चीज नहीं लगे इसके अंदर वो आप लिख लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको चेंज करना है असरेटिव पॉजिटिव के अंदर, क्यों? बिकॉज ये नेगेटिव नहीं है तो इसको हम नेगेटिव में नहीं करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए सब्जेक्ट, तो इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? यू है, क्यों? क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है? हु इज टेकिंग एक्शन हियर, हु इज डूइंग एक्शन हियर? यू, यू जो लिखा है ये यहाँ पर काम कर रहा है, तो हमारा क्या है? यू, यू हमारा सब्जेक्ट है, ओके? अब साथ साथ हम देखते हैं यू एक सेकंड पर्सन है, यू क्या है? एक सेकंड पर्सन है, और हमने रूल देखा है पर्संस को चेंज करने का, रूल हमने देखा है, क्या रूल है? कि रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाला सेकंड पर्सन कैसे बदलता है? रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, होता है ना चेंज, ये सेकंड पर्सन है, ये चेंज क्या होगा? रिपोर्टेड पार्ट है अपना, ये वाला पार्ट क्या अपना, ये वाला पार्ट अपना रिपोर्टेड पार्ट है, उस रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सॉरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और इसमें अपना ऑब्जेक्ट है मी, ठीक। साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रोनाउन है ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन का कौन सा प्रोनाउन यहां पर है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पजेसिव है, या फिर रिफ्लेक्सिव है? जो भी प्रोनाउन यहां पर होगा, यहाँ पर होगा, उसी प्रोनाउन में हम इसके ऑब्जेक्ट को भी चेंज करेंगे, ठीक है। हमारे पास यू क्या है? यू हमारे पास एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो इसकी जगह आएगा उसका भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। और मी क्या है? मी है आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और आई क्या है? आई है एक फर्स्ट पर्सन, और आई क्या है? आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर यू की जगह आई लिखेंगे, और क्यों लिखेंगे यू की जगह आई? क्योंकि यहाँ पर यू क्या है? यू भी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसीलिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा? आई। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें आर क्यों लगाया, क्यों नहीं लगाया आर? क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऊपर क्या था, ऊपर ये क्वेश्चन था, हमें यहाँ पर क्या बनाना है? हमें यहाँ पर इसको एक स्टेटमेंट में चेंज करना है, और वो स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? वो स्टेटमेंट होगा असरेटिव, कैसा होगा? सामान्य वाक्य, इसलिए सामान्य वाक्य का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? आई लिखा है। इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? ये रही आर, आर है ना, ओके जी। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस स्टेटमेंट का, इस स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है उस टेंस को चेंज करना है, और वो टेंस चेंज कैसे होगा? रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग, जिस टेंस में रिपोर्टेड वर्ब रहेगी उसी टेंस में इस रिपोर्टिंग स्पीच को हम बदल देते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है तो हम रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में इसको बदल देंगे। तो अपने पास ऑब्वियस है, क्लियर दिख रहा है कि सैड क्या होता है? सैड होता है से की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हमेशा किस में आती है? पास्ट में, पास्ट है, वेरी गुड। इसलिए हम क्या करेंगे, इस आर को चेंज कर देंगे पास्ट में। आर का पास्ट क्या होता है? आर का पास्ट होता है वाज और वर। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर वाज आएगा या वर आएगा इस सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आई। आई क्या होता है? आई होता है एक प्लुरल प्रोनाउन, और जब कभी भी एक प्लुरल प्रोनाउन हमारे पास होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर। तो इफ आई वर बाद में going very good। बाद में ये जो इंट्रोगेटिव मार्क है इसको हम हटा देंगे, ठीक है। आई एम, इसका मतलब क्या हो गया? देखो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? फिर हम यह बात किसी और को बताया हमने, हमें कैसे बताएंगे? ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा इफ आई वर गोइंग, कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं जा रहा हूं इस बात में,
इसके बारे में उसने मुझसे पूछा। ठीक, सर यस, सर आस्क क्यों है? क्योंकि हमें इस सैड टू को चेंज करना पड़ेगा ना। और देखो, चेंज किस में करेंगे? हम चेंज करेंगे आस्क में। और क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर एक प्रश्न किया गया है। किया गया ना, एक क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया ना क्वेश्चन कि आर यू गोइंग, यस क्या सर तुम जा रहे हो? तो इस पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस में चेंज करेंगे। हमारा ये इंटरोगेटिव, एक हमारा सेंटेंस कैसा है, रिपोर्टिंग स्पीच हमारी कैसी है, इंटरोगेटिव है। इसलिए हम इस सैड टू को चेंज कर देंगे आस्क के अंदर। ठीक है, क्योंकि तो इसमें एक प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन किया गया है। ओके, ओके सर अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं। क्या देखते हैं? कि जब कभी भी हमारे पास एक इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, और वो स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक, तो हम इसमें लगाते हैं इफ या वेदर। हमने पढ़ लिया था कि हमने यह पढ़ा है कि हम इफ कब यूज में लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम कोमा की जगह है वेदर कब यूज करेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू गोइंग और नॉट। अब देखो इसमें क्या फर्क है। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में सिंपल लिखा हुआ था कि आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। इसमें क्या पूछा है? इसमें उससे ये पूछा है कि अगर तू जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। आर यू गोइंग और नॉट, क्या तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, है ना। इसमें उसने पॉजिटिव भी पूछा और नेगेटिव भी पूछा है। पूछा नहीं पूछा? तो जब कभी भी एक सेंटेंस के सर। अंदर क्वेश्चन पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव में भी हो, तब हम इस कोमा की जगह है यूज करेंगे वेदर का। क्योंकि वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब क्या होता है? हाँ या ना, जा रहे हो या नहीं, हाँ या ना में होता है। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वेदर, वेदर फिर यू आए आए वर पर वर गोइंग गोइंग, बस और नॉट हट और जाएगा। नॉट सर और नॉट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि क्यों वेदर है ना, इसका मतलब क्या होता है? हाँ या ना। उसने मुझसे पूछा तुम जा रहे सर हो या नहीं। की क्या भी तो थे क्या सर की क्या क्या ये होता है इफ का? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? हाँ या ना। इसने मुझसे पूछा कि तुम जा रहे हो या नहीं, तो ये जो है ना, हो या नहीं, हाँ या ना, वो होता है वेदर। ठीक है, सर जैसे ये वेदर के आगे बिकॉज हम चेंज करेंगे इस यू को, और यू क्या अपना है? यू है अपना सेकंड पर्सन। और जब कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन आता है, वो चेंज होता है अपना रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मी, क्यों इसके आया अकॉर्डिंग चेंज होगा यू। ठीक है, तो यू क्या है? यू एक सेकंड पर्सन है और एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव ठीक है, और अगर हमें इस यू को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है ना, तो हम इस मी का भी क्या लेके आएंगे? मी का भी हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन प्रोनाउन ही रखेंगे। ठीक है, क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर यू क्या है? यू एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए हम क्या करेंगे? मी का भी क्या लिखेंगे? यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लेके आएंगे। ठीक है, वेरी सर गुड। यस सर अब हम बात करते हैं अपना डब्ल्यू एच वर्ड्स वाला। ही सैड टू मी, उसने मुझसे पूछा, कहा कि व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है,
उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग। सेंटेंस कैसा अपना? सेंटेंस अपना है इंटरोगेटिव, स्टार्ट हो रहा है अपना WH वर्ड से, ठीक है। जब कभी भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और वो एक क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। जब कभी भी हम एक WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट के अंदर, तो ये जो कोमा है ये हट जाता है और इस कोमा की जगह है जो व्हाट होता है वही आता है, ठीक है। जैसे कि ही आस्क्ड मी, अब हमें कोमा हटाना ना, तो कोमा सिंपली हटा देंगे, कोमा को हटा देंगे और उसके लिए क्या लिख देंगे, व्हाट लिख देंगे, आस्क मी व्हाट। अब देखो आगे, अब हमें आगे क्या लिखना है कि जब हम WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव स्टेटमेंट को डायरेक्ट से चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। ये अपना है इंटरोगेटिव, है ना, इंटरोगेटिव अपना, यस सर। कोमा की जगह क्या आ गया अपना, वोट आ गया, व्हाट। अब क्या बस के हमारे पास बस गया आर यू डूइंग। हमें इसे चेंज करना है असर्टिव के अंदर, ठीक है। असर्टिव मतलब कि अब हमें इसको बनाना है सामान्य वाक्य बनाना है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य नहीं रखना है। और सामान्य वाक्य कब बनता है, जब कोई वाक्य है, जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो, कोई सेंटेंस हमें रहता है सामान्य वाक्य। तो यहाँ पर सेट क्या है, इस सेंटेंस में व्हाट आर यू डूइंग, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, यू। अपना क्या है, यू अपना सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज कैसे होगा सर, वो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट के यहाँ पर अपना मी, तो यहाँ पर मी लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूं सर, आई, आई, वेरी गुड। आई क्यों आएगा, बिकॉज यू क्या है, यू अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में है, वेरी गुड। तो ही आस्क मी व्हाट आई, आगे वर, वर, वेरी गुड, व्हाट आई वर डूइंग। अब इन दोनों सेंटेंस के मतलब समझो कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक। अब इसमें क्या बनाया आपने, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट आई वर डूइंग, जो चीज मैं कर रहा था, व्हाट यहाँ पे क्या बन जाएगा, व्हाट यहाँ बन जाएगा जो, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वर डूइंग, उसने मुझसे पूछा जो मैं कर रहा था, ठीक है। वो तो ना कभी कभी हम आते हैं कि उसने मुझसे पूछा, जो भी मैं काम कर रहा था उसके बारे में मुझे पूछा, तो ये व्हाट क्या आ गया, ये व्हाट बन गया अपना जो, ओके ओके सर, वेरी गुड सर। व्हाट कनेक्टर बन गया ना, हाँ वेरी गुड, व्हाट क्या बन गया यहाँ पर, व्हाट यहाँ पर अपना कनेक्टर, ओके। अब हम सेंटेंस ऐसे देखते हैं जो हमारे स्टार्ट होते हैं किससे, WH वर्ड से, मैन वर्ब से, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जो मैन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इन सेंटेंसेस में हम ये देखते हैं कि सेंटेंस में अगर हमें कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई रिक्वेस्ट करी गई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा bring me a book, मेरे लिए एक किताब लेके आओ। अब कैसे कहेंगे इसको, he ordered me, ordered me, आगे so, bring me a book, मेरे लिए बुक ले आओ। उसने किस, दूसरे ने कहा था ना,
सामने वाले कहा था ना, सामने वाले ने मुझसे कहा कि मुझे किताब चाहिए। हम कैसे बताएंगे कि उसने मुझे कहा कि उसको एक किताब चाहिए, है ना? यस सर। मी चेंज किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड मी। अब देखो कोमा है ना, ये कोमा क्या होगा, कोमा यहां से हट जाएगा और कोमा की जगह कनेक्टर बनेगा अपना टू। ही ऑर्डर्ड मी टू bring him I का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी। हाँ वेरी गुड। और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज कैसे होता है, रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वेरी गुड। और सब्जेक्ट अपना क्या पर है, सब्जेक्ट यहाँ पर अपना है ही। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज मी यहाँ पर क्या है, मी अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग हिम अ बुक। ओके सर। उसे देखो, अब ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनके अंदर ऑर्डर दिया होगा, ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, परमिशन, सर परमिशन, और सर एडवाइस, एडवाइस, ठीक। और साथ में एक और देखते हैं, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है, मनाही, किसी चीज को मना करना, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। फर्स्ट देखते हैं अपना ऑर्डर का, ऑर्डर का हमने देख लिया अभी, ठीक। अब होता है रिक्वेस्ट का, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ, प्लीज गिव मी अ पेन। He requested me. अब देखो कोमा है, चेंज होगा टू के अंदर टू में। अब yes, हमने यहाँ पर टू क्यों लगाया, दैट क्यों नहीं लगाया? देखो he requested me। अब देखो हमें क्या करना है, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की। अब जो भी उसने रिक्वेस्ट करी है उस रिक्वेस्ट को हम टू से जोड़ देंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्शन हो गया ना, देखो ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट करी, क्या रिक्वेस्ट करी मुझसे, उसको हम साथ जोड़ देंगे। भावेश अपना माइक ऑफ करो, दिन में तो माइक ऑफ करो अपना। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी है, जो भी रिक्वेस्ट करी है, जो भी उसने एक्शन करने के लिए कहा है, उस एक्शन को हम टू के साथ जोड़ देंगे, और रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, परमिशन, एडवाइस, प्रोहिबिशन, ये सब शो करने वाले शब्दों को हटा देंगे। यहां पर ये प्लीज, प्लीज हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि प्लीज यहां पर शो कर रहा है हमें रिक्वेस्ट के लिए, और वो रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया है। अगर हम दो बार एक जैसे वर्ड लिख देंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे नथिंग और नो एक साथ नहीं आते, नो और नॉट एक साथ नहीं आते हैं, उसी तरह है एक चीज को शो करने वाले दो वर्ड एक साथ नहीं आते। बिकॉज यहां पर इसने पहले से ही रिक्वेस्टेड डाल दिया है, पहले से इसने रिक्वेस्ट वर्ड काम में ले लिया है, तो हम इस प्लीज को रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव कर देंगे? क्योंकि प्लीज हमें रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, और हमने रिक्वेस्ट को यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर ये हट जाएगा। इसके बाद ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, गिव, अब चेंज करना है हमें मी को। मी इज ए फर्स्ट पर्सन, एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट, या फिर रिपोर्टेड पार्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही,
यहाँ पर क्या आएगा मी की जगह हिम मी टू गिव हिम अ पेन पेन वेरी गुड ठीक है ये तो अपन थे पॉजिटिव अब देखते हैं अपन थोड़े से नेगेटिव वाले ठीक उसमें नेगेटिव में देखो ये जो प्रोहिबिशन है ना प्रोहिबिशन ये क्या दिखाता है ये किसी चीज को मना करने के लिए शो काम में आता है किसी काम को मना करने के लिए काम आता है और जहां पर मना करने के लिए काम आता है वहां पर नोट का आना जरूरी है ठीक है जैसे कि ही सेड टू मी ही सेड टू मी डोंट गो या फिर डोंट प्ले विद फायर डोंट प्ले विद फायर ठीक है तो बड़ा सेंटेंस है कि ही सेड टू मी डोंट प्ले विद फायर उसने मुझसे कहा डोंट प्ले विद फायर मतलब आग के साथ मत खेलो अब देखो इसमें क्या किया उसने उसने मना भी किया है और उसने एडवाइस भी दी है दोनों काम है इसके अंदर है ना उसने मना भी किया है और एडवाइस भी दी है अब हम इसको दोनों तरीकों से कहेंगे एक तो करेंगे मना करने के अर्थ में एक करेंगे एडवाइस देने के अर्थ में तो पहला हम करते हैं एडवाइस के अर्थ में इसने क्या कहा है ही सेड टू मी डोंट प्ले विथ फायर उसने मुझसे कहा आग के साथ मत खेलो तो हम इसमें क्या करेंगे ही advised me आगे अब उसने क्या एडवाइस दी है अब देखो हमें क्या करना है अब हमें इसको बनाना नेगेटिव ठीक है मैंने आपको पढ़ाया था इनफिनिटिव के अंदर कि जब टू के बाद कोई क्या हो नाउन कोई वर्ब हो तो क्या रहता है वो एक एक्शन बन जाता है ना एक्शन और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हम अगर किसी एक्शन को नेगेटिव करना चाहते हैं तो उससे पहले नॉट या फिर नो का यूज करते हैं जिस भी काम को हमें नेगेटिव बनाना है उससे पहले हम नॉट का यूज करते हैं है ना तो हमें क्या करना है हमें इस प्ले को नेगेटिव करना ना करना नहीं करना है वो बोल रहा है कि आग के साथ मत खेलो और यही हम उसको एडवाइस दे रहे हैं तो ही एडवाइज मी क्या एडवाइस दी नॉट टू ठीक है प्ले क्योंकि हमें ये जो वर्ब है टू प्ले ये एक इन्फिनिटिव वर्ब है और जब हमें कोई भी वर्ब को नेगेटिव बनाना हो तो उससे पहले हम नॉट लगाते हैं इसीलिए ठीक है ही एडवाइज मी नॉट टू प्ले विद फायर तो ऐसा होता है ही एडवाइज मी टू प्ले फायर प्लेज फायर वो अलग होता ना अब हम वो होता पॉजिटिव हमारा हम कर रहे हैं नेगेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट टू प्ले विद फायर ये था एडवाइस के अंदर अब हम देखते हैं कि वो जब मना करता है तो मना करने के अर्थ में हम कैसे इसको काम में लेते हैं ठीक है तो ही प्रोहिबिटेड मी वेरी गुड ही प्रोहिबिटेड मी आगे कोमा को चेंज करेंगे टू के अंदर टू प्रोहिबिटेड मी टू प्ले विद फायर अब यहाँ पर नॉट क्यों नहीं आया बिकॉज ये जो वर्ड है ना अपना प्रोहिबिटेड ये क्या इसका मतलब क्या होता है मना करना प्रोहिबिटेड मी उसने मुझे मना किया क्या मना किया आग के साथ खेलने में ठीक है ये अपना वर्ड नेगेटिव वर्ड आ गया ना अगर एक बार नेगेटिव वर्ड आ गया तो दोबारा हम नेगेटिव वर्ड को नहीं लिखेंगे ठीक है अगर हम ऐसे लिखते हैं कि आई डोंट नो नथिंग तो ये क्या हो जाएगा ये अपना गलत हो जाएगा क्यों हो जाएगा Because nothing का मतलब क्या होता है कुछ नहीं और जब एक बार
नेगेटिव वर्ड आ गया है तो दोबारा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। उसको हम लिख सकते हैं आई नो नथिंग, आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं nothing. पता। या फिर हम इसको लिख सकते हैं आई डोंट नो एनीथिंग, कि मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, ये दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि इन दोनों में एक एक ही नेगेटिव वर्ड है। जैसे इसमें ना आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक बार नेगेटिव वर्ड आने पर दोबारा नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। ठीक है, आया समझ में? ये था हमारा पैसिव वॉइस का रिविजन। कल हम रिविजन करेंगे अपना मॉडल्स का। ओके, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। किसे कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। ओके ओके सर, ओके, सी यू, हैव अ नाइस डे सर, आर यू टू, हैव अ नाइस डे।